नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे को आंसर दो। अगर सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बनाते जाओ प्लीज। मान लो ये एक ब्लॉक है, बनाते जाओ, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, और लेट अस सपोज मैं इसे यहाँ पे मूव करवाने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ, पर ये बॉडी ना मेरे से चल नहीं रही, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि इस बॉडी को आगे मैं नहीं लेके जा पा रहा। मुझे ये बताओ, ये बॉडी चल नहीं रही, रेस्ट पे है, तो क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। कौन सी? स्टैटिक। मैंने कहा था, देखो एक ही केस में फ्रिक्शन नहीं लगती जब तुमने उसको टच नहीं किया। अगर तुमने किसी बॉडी को टच कर दिया और फोर्स लगा दी तो, और वो मूव नहीं कर रही, तो ये मत कहना फ्रिक्शन नहीं लग रही, फ्रिक्शन लग रही है। कौन सी? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? लेफ्ट होगी। तो इसका जो सिंबल है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एफ, क्योंकि एफ के आगे क्या लगाऊँ? एफ मैक्सिमम स्टैटिक तो है नहीं, काइनेटिक है नहीं, तो मैंने एफ लिख लिया। एफ स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी चल नहीं रही। मेरा पहला क्वेश्चन ये बताओ कि इस ब्लॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी लगी? कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बतानी है। कॉन्टैक्ट फोर्स जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो मिनिमम कितनी बॉडीज चाहिए? दो, ताकि आपस में कॉन्टैक्ट में आए और आपस में फोर्स लगाए। तो बताओ पहली कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है इस ब्लॉक पे? फ्रिक्शन। सही। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लॉक ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में ना आता तो फिर ये फोर्स ही ना लगती। तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सही, पहला आंसर सही। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें कौन है? फ्रिक्शन है नंबर वन। दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक पे कौन सी है? नहीं नहीं, फोर्स का नाम क्या है? एन नॉर्मल रिएक्शन या वेट एम जी? मेरा क्वेश्चन है इस ब्लॉक पे सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है? मेरा पहला ऑप्शन वेट है कि नॉर्मल रिएक्शन है? तो कोई वेट के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट किस पे लग रहा है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड ने कॉन्टैक्ट में आने पे क्या लगाया इस पे? नॉर्मल। तो बिल्कुल सही, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो। तो इस पे सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन एन। तो यानी कि अब इस ब्लॉक पे कुल मिला के दो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। पहली कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। पेपर में आएगा, बताओ इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है ब्लॉक के ऊपर? क्या आंसर मार्क करोगे? एन की एफ? दोनों में दोनों कैसे लिखा होगा पेपर में? हम बोलो आंसर क्या है? बोथ है एंड भी नहीं, आंसर क्या है? वेक्टर सम ऑफ एन एंड एफ। तो बेसिकली क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो आप इनके क्या बनाएंगे? ये लो पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे और ये रिजल्टेंट है, तो ये आपके पास आंसर आएगा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये क्या आ गई? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप ये मार्क करेंगे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इसके इक्वल है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, एफ भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, पर हम यहां पर रिजल्टेंट मार्क करेंगे। तो कई बार न्यूमेरिकल में जैसे वो कहेगा फ्रिक्शन तीन है और नॉर्मल रिएक्शन चार है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है? तो पांच है। तो ये ध्यान से, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, तो सीधा रिजल्टेंट पांच आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? फिर अगला क्वेश्चन आएगा, ये मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स किस पे निकाली? ब्लॉक पे। अब वो कहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है? तो बोलो ग्राउंड पे पहली कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। क्योंकि अगर ब्लॉक इधर जा रहा है या फ्रिक्शन इधर है, फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड पे भी लगेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ग्राउंड पे दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? एम जी वेट, क्योंकि इस ब्लॉक ने इसके ऊपर क्या लगाया? वेट एम जी। तो इस पे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है? तो आप इसमें ड्रॉ करेंगे पैलोग्राम और ये इसके ऑपोजिट क्या आएगी? इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी? अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। और ये दो वेक्टर एग्जैक्टली आपस में ऑपोजिट हैं, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आपस में कैंसिल करेगी, रिएक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये आपने मार्क करना है। इस ब्लॉक पे पहली कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? एन। दूसरी क्या है? फ्रिक्शन। दोनों फोर्सेज 90 डिग्री पे हैं, नेट आ गया।
फिर क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे ऐड कर रही है तो बाय रिएक्शन फ्रिक्शन ग्राउंड पे भी लगेगी और वेट भी लगेगा, तो ग्राउंड के ऊपर दो दो फोर्सेस लग रही हैं, ब्लॉक ने लगाई है, एक एफ लगाया और एक एम जी, तो इसका रिजल्टेंट ही रहा।